मिला हुआ है कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में आइए, तो कुछ बताइए जनता को कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में आने का कारण क्या था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पहले तो मैं बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को चुनने की वजह यह है कि इसका जो पार्टी लीडर है, जो प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट पवार साहब, मैं उनको देख के पार्टी को ज्वाइन किया है कि वो दमदार है। वो दमदार है कि आधी रात को भी उनको फ़ोन करो तो वो बंदा ऐसा है कि वो फ़ोन उठाकर अपने पार्टी वर्ग के लिए वो आधी रात को भी खड़े हैं। तो जो पार्टी का जो हेड होता है उसको देख के पार्टी को ज्वाइन किया जाता है। क्योंकि देखो, मैं अभी फिलहाल जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे मैं बहुत परेशान हूँ, रूलिंग गवर्नमेंट से। क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट ने मुझे इतना सताया है, एक नहीं दो दो बार मुझे इतनी यातना दी है, इतना परेशान किया है जिसकी कोई भी हद नहीं। ये तो ये पूरी जनता जानती है कि मुझे फेक केसेस में इतना बुरी तरह अटकाया गया है। एक बार 18 दिन, एक बार 25 दिन। 18 दिन में से 7 दिन मैं जेल में थी, बाकी के दिन 11 दिन मैं हॉस्पिटल में थी। 25 दिन में से मैं कुछ 6 या 7 दिन जुडिशियल कस्टडी में थी और बाकी ताबा घूम रहा था। ये सब कुछ ड्रामेबाजी हुई है जिसमें मुझे पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट से। क्योंकि हर एक ऑफिसर ने मुझे यही कहा, मैडम नहीं आपा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब आईपीएस लेवल से हो रहा है, ये ऊपर के लोग करवा रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस करवा रहे हैं, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है आपा। हम तो आपको दिल से चाहते हैं, हम आपको दिल से चाहते हैं आपा, क्योंकि आप जैसे सोशल वर्कर अगर हो और हिंदुस्तान में बन गए तो पुलिस स्टेशन के ऊपर से भार कम हो जाएगा, पुलिस स्टेशन के ऊपर से भार कम हो जाएगा। क्योंकि जितने केसेस आप एक दिन में निपटाते हो, 25 केस, 30 केस, 40 केस, तो इतने तो पुलिस स्टेशन में भी केस नहीं आते जितने केसेस आपके पास आते हैं। तो मुझे पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं है। 2 साल से मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपील कर रही हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस की जो है आप पगार बढ़ाओ, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने जब पगार को डबल कर दिया, तो जब तेलंगाना गवर्नमेंट कर सकती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है पुलिस डिपार्टमेंट की पगार बढ़ाने के लिए? एक आईपीएस ऑफिसर मेरे पीछे लगा है कि वो मेरे पीछे नहा धो के पड़ गया है, तो वो एक आईपीएस ऑफिसर में इतनी हिम्मत और इतना दम है कि वे सोशल वर्कर की जिंदगी खराब कर दे, एक खबरी उसमें इतना दम है कि एक खबरी मेरी जिंदगी खराब कर दे। मैं जेल जाके आई हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरा दुश्मन भी जेल देखे। इसलिए जितने मेरे दुश्मन हैं, कौन सी पान टपरी पे खड़े रहता है वो खबरी, चार पांच जो टपोरी लड़कों को लेके खड़ा रहता है, जिनका सबका नाम केसेस में है, जो तड़ी पा रहे हैं, जिन्होंने मर्डर किए हुए हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट है वो लगे हुए हैं, वो पारवे अपने हस्बैंड को लेके बस स्टॉप पे रात को 12 बजे बैठी है, इसकी भी खबर मुझे है, मुझे सब कुछ मालूम है। इसके बावजूद भी मैं उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन, तो दूर की बात है, मैं पुलिस स्टेशन में फोन करके ये तक आज तक नहीं पूछा है मैंने कि आपने इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दुश्मन भी जेल देखे। जेल इतनी बुरी जगह है, लेकिन इन लोगों ने मुझे तंग करने में कोई एंगल नहीं छोड़ा। और एनसीपी मैंने इसलिए ज्वाइन किया है कि शरद पवार जी जो है एक सच्चा नेता है, एक सच्चा सोशल वर्कर है, एक सच्चा इंसान है। वो इंसान है जो मुझे मेरा हक लेने में, मेरी लड़ाई लड़ने में, श्री राव साहब जो है उनको देख के मुझे ये लगा, सेटिस्फैक्शन हुआ कि यस आई हैव ज्वाइन द राइट पार्टी, मैंने एक सही पार्टी को ज्वाइन किया है, मुझे कहीं पर भी मिस्टेक नहीं लगी। अगर मिस्टेक लगेगी मुझे, कोई गलती मुझे कहीं पर दिखेगी, तो वहाँ पर भी मैं लोगों को दिल खोल के बेबाकी से जवाब जरूर दूंगी। आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ना किसी चीज से डरती हूँ, ना मौत से डरती हूँ, और ना कोई इंसान मुझे डरा सकता है। तो मेरे जो दुश्मन होंगे, अगर वो सोचते होंगे कि ये जो छोटे छोटे चुटकुले मार के इन लोगों ने, अब एक छोटा सा मैं आपको चलिए एक चीज बताना चाहूंगी कि नूरजहां पारवे ने एक केस बनाया बांद्रा पुलिस स्टेशन से, रहती वो मुमरा में, उसने एड्रेस लिखा है बांद्रा का, तो पुलिस इतनी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती कि वो बांद्रा में रहती या नहीं रहती, उसके घर तो पहले पता लगाओ। उसने एफआईआर बांद्रा से कैसे बनाई? वो मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर बनाने गई थी, वहां पे उसका एफआईआर नहीं लिया गया, ठीक है, तो बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर ले लिया सिर्फ इसलिए कि वो मुजब्बेक की गर्लफ्रेंड है, मुजब्बेक एक खबरी है, उसने उस पर एफआईआर बनवा दिया।
कल मैं एनसीपी के पास जाके खड़े होने वाली और पूछने वाली कि मुझे लेके जाके बताओ उसका घर किधर है। इधर ती कुठे रहती ते बंडरा मधून कुठे रहती तिचं घर कुठे आहे? तुम्ही एफ आय आर घेतला, मला ताब्यावर घेतला, मैं पुलिस ज्युडिशियल कस्टडी के अंदर थी जब मेरा ताबा घुमा नूरजा पारवे के केस पे, उसके झूठे बनाए हुए केस पे कि मैं उसको जान से मारने वाली हूँ। अबे भैंस, खुद को देख, थू, तुझे और मैं मारूंगी, मेरे हाथ गंदे करूंगी, मैं तो इतना भी नहीं चाहती कि तू जेल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा कोई दुश्मन भी जेल देखे, जेल इतनी बुरी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब अभी आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में आ गए, हेल्प योर फाउंडेशन, तो आप दुनिया की मदद कर रहे हो, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी आ गए तो काम हमारा सब बढ़ गया है, तो ये काम को आप कैसे डिवाइड करोगे? जैसे कि पहले आपने ऐलान किया था कि हफ्ते में दो छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे, तो अभी आपको सात दिन आप वर्किंग करोगे कि उसमें से भी खुद के लिए टाइम निकालोगे और पब्लिक को किस तरह टाइम दोगे? बेटा अभी ऐसा है कि आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस, मैं साथ में लेकर चल रही हूँ। वजह ये है कि मैंने पार्टी को एक आश्वासन दिया है, एक कमिटमेंट दिया है कि मैं पार्टी का काम करूंगी और पार्टी का नाम करूंगी, कि जब भी आप देखेंगे मुझे तो मैं पार्टी को साथ में लेकर चलूंगी। तो पार्टी की बात जहाँ तक है, यस पहले मैंने सैटरडे संडे ऑफ किया था, लेकिन अगर मुझे अभी हफ्ते में सात दिन काम करना पड़ा तो मैं सात दिन काम करूंगी, लेकिन पार्टी का नाम जो है मैं रोशन करूंगी। जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ के जाने की गलती की थी उन लोगों को मैं एहसास दिलाऊंगी कि पार्टी के साथ में अब शबनम शेख जुड़ी है, और शबनम शेख आपा कोई माहिम का हलवा नहीं जो मुंह में रखे और पेट में चले जाए। तो लेट्स सी कि मैं पार्टी के लिए मैं क्या क्या कर पाऊँ और क्या क्या पार्टी को करके दिखा पाऊँ कि हम पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं, और पार्टी का जो है नाम मैं उजागर करके दिखाऊंगी। इंशाल्लाह मेरी दुआ यही है, और मैं दुआओं से ज़्यादा मेहनत पे बिलीव करती हूँ। मेहनत मेरी इतनी होती है कि हर गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, हर हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। जो पुलिस स्टेशन से रो रो के लौटते हैं, कल यानी मंडे के दिन जितने भी एप्लीकेंट मेरे पास आने वाले हैं सब पुलिस से सताए हुए लोग आने वाले हैं, क्योंकि जो भी कल सैटरडे के दिन मेरे पास आए थे मैंने सबको यही कहा था, क्योंकि कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने उन लोगों को ये कहा कि मैं आज का दिन आपका नहीं सुनूंगी, आप मंडे के दिन आइए। तो कल मंडे के दिन वो लोग मेरे पास आने वाले हैं। अब ये देखिए कि मुझे ACP के पास से एक लेटर आया है कि मुझे ACP के पास बुलाया जा रहा है कि चैप्टर प्रोसीडिंग के लिए। चैप्टर प्रोसीडिंग वो क्रिमिनल्स की होती है, मैं सारे केसेस की ट्रायल चालू करवा दूंगी, मैं सारे केसेस की ट्रायल चालू करवा दूंगी। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और ना मैं अपने आप को क्रिमिनल साबित होने दूंगी। मैं मेरे सारे दुश्मनों को वार्निंग दे रही हूं, अपनी अपनी तशरीफों को दबा के बैठो। अगर ज़्यादा मुझे उछालने की कोशिश की या मुझे ज़्यादा तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की ना, घरों से पूरे खानदानों को उठा के जेल दिखाने की कोशिश में मैं लग जाऊंगी, समझे? सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे खानदानों को जेल दिखाऊंगी मैं। वो चाहे समीर कांडी हो, मोहसिन चाबा हो, तुम लोग फोन करके मुझे गाली देते हो, तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारी कॉल रिकॉर्डेड नहीं है? तुम्हारी पूरे के पूरे कॉल रिकॉर्डेड है मेरे पास। तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोग पहले भिखारी लोग मेरे पास पल रहे थे, अब तुम लोग जाके मुसेब के गोद में बैठे हो, मुसेब खुद मेरे थोड़ों पे पलने वाला कुत्ता। हाँ, अपनी औकात भूल गए तुम लोग, मुरझा पारवे मेरे थोड़े पे पलने वाली कुतिया, तेरा घर मैं चलाती थी, अब बोलती कि तेरी औकात क्या है कि तू मेरा घर चलाती थी? अबे तेरे खिलाफ है ना स्टेटमेंट देने के लिए मेरे पास 50 लोग है, और वो एक भी कंपनी में काम करने वाला बंदा नहीं, हमारे पास आने वाले फरियादी हैं जो तेरे खिलाफ, तेरे को मालूम है तेरे खिलाफ कितने लोग खड़े हैं? आने वाले फरियादी तेरे खिलाफ खड़े हैं, तुझे चप्पलों के हार पहनाने के लिए खड़े हैं, तेरा स्वागत करने के लिए खड़े हैं कि तू मिलेगी कहाँ उन लोगों को, समझी? बांद्रा में तो तेरा कोई घर नहीं है, यहाँ तेरा कोई ठिकाना नहीं है। अरे मैं ये बताना चाहूंगी कि इन लोगों ने जितना मुझे बदनाम करना था, एक एडिटिंग वाला वीडियो बनाया, पीछे से लंबे बाल मेरे दिख रहे हैं, कपड़ा पता नहीं कौन से कलर का कपड़ा इन लोगों ने पहनाया, सामने बैठी हुई पब्लिक मेरी है, कौन कौन थे वो वीडियो में है। हाँ, मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मैंने क्लासिकल डांस सीखा है, भरतनाट्यम और कथक दोनों सीखा है, नेशनल लेवल तक मैं जाती अगर मेरे डैडी मुझे अलाउ करते तो, लेकिन मैं स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। श्री विलासलाल देशमुख जो हमारे एक्स CM थे, लेट श्री विलासराव देशमुख ने मुझे गोल्ड मेडल पहनाया। मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ और डांस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने मेरा करियर डांस में नहीं बनाया, मैंने मेरा करियर सोशलिज्म में बनाया।
तुम तो इतने नीच लोग हो, वहां पर कौन कौन था? 12 लोग थे, 12 के 12 लोगों के नाम मैंने लिख दिए, लेकिन मैंने नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों को जेल भेजूँ। मैं नहीं चाहती मेरा कोई दुश्मन भी जेल देखे, लेकिन तुम लोग के दुश्मन से भी ज्यादा गए गुजरे गिरे हुए लोग, रंजीत ओबराय, वैशाली, मुजैब बेग, मुजा पारवी, निसार शेख, इमरान बा, मोहसिन चावा, समीर कांडी, इमरान मुबारक शेख, न्यूज ग्रुप का इमरान खान, तुम लोग सबको क्या लगता है? तुम लोगों ने मुझसे 25 लाख रुपए डिमांड किया था ना, नहीं देने पे तुम लोग मेरी बदनामी करोगे? कितनी बदनामी करोगे? वो कौन से पिक्चर थे गुरु? कौन थे? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, किसके ऊपर बनाई गई? अंबानी के ऊपर ही बनी है ना पिक्चर? तो घातक बनी थी? नहीं नहीं नहीं, गुरु बनी थी, घायल वंस अगेन अंबानी पे बनी थी, अंबानी पे बनी हुई पिक्चर थी। कि लोग जब आपकी तारीफ करें या बुराई करें, तब समझ जाना कि आपकी तरक्की शुरू हो गई है। और मेरी बुराई तो लोग 14 सालों से कर रहे हैं, तारीफ भी और बुराई भी, तो वो कुछ बदल नहीं पाया आज तक। मैं तरक्की की सीढ़ी चढ़ते जा रही हूँ, ना कुछ बदला है ना कुछ बदलेगा। हाँ ये है कि तुम लोगों की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे जो मैंने जेल देखी है, इसके खिलाफ तुम लोगों को अब जेल जाना बाकी है। तुम लोगों ने जितने भी झूठे केस बनाए हैं, अब इसके खिलाफ तुम लोग जेल जरूर जाओगे। ट्रायल तो चालू होने को, तूने तेरा एड्रेस बांद्रा का लिखा है ना, रहती तो तू मुमरा में है ना, मुमरा के इम्तियाज अंसारी के घर पर रहती है ना तू, इम्तियाज अंसारी उसके घर पर रहती है ना। और तेरी जान को धोखा है, ये मैंने तेरे को कब बताया रे? कब मिली थी मैं तेरे को? ये कौन सा SMS, ये कौन सा कॉल किया था? तेरे पास कोई सबूत है कि मैंने कबूतर के पैर में ऐसा चिट्ठी लपेट के तेरे को भेजी थी? कबूतर आया था तेरे पास देने के लिए, मैंने पैर के जैसा? हाँ, तुम लोगों की औकात भी नहीं कि मैं तुम लोगों का नाम लूं। और मैंने कह दिया था कि मैं तेरा नाम नहीं लूंगी, फिर भी साली गिरी हुई औरत बोली चली जा रही है, बोली चली जा रही है। तेरे को देखने का मेरे को मैसेज कैसे आते हैं? ऐसा तेरा वीडियो आता, नीचे लोग पूछते हैं ऐसे, ये छिनाल क्या बकरी है, ऐसा पूछते हैं मुझे। देखने का तेरे को साली दो टके की औरत? तू मुझे इतना बता दे, मैंने 14 साल में जितना काम किया सब ऑनलाइन अवेलेबल है, तू मेरे पास 1.5 साल रही, 1.5 साल से पहले तूने क्या किया? एक भी सोशल वर्क का तेरा तू ऑनलाइन का एक रिकॉर्ड उठा के बता दे मेरे को कि हाँ मैंने ये काम किया, इसको सोशल वर्क बोलते, इसको वेश्या व्यक्ति बोलते, तू बता दे मेरे को। और मुझे बेग तू पुलिस का दलाल, तू बता दे तूने कौन सा सोशल वर्क किया? अबे मेरे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता, तूने किया क्या? अभी वांटेड में घूम रहा है ना, घूम रहा है तो बांद्रा में घूम रहा है, क्यों तेरे को पकड़ा नहीं जा रहा है? अभी बांद्रा पुलिस स्टेशन जा रही हूं मैं, पूछूंगी जाके कि तुम लोगों का अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, कितना पैसा खिलाया तुम लोगों ने, ये क्या गिफ्ट दे रहे हो पुलिस स्टेशन में? पुलिस वाले तुम लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या सर्व किया तुमने? गुप्ता से कुछ सर्व करवा दिया क्या? गुप्ता ने कुछ सर्व करवा दिया क्या? हर केस में मेल ही ऑफिसर नहीं है, फीमेल ऑफिसर भी है, क्या क्या सर्व करवाया तुमने पुलिस स्टेशन में? हाँ, ऐसा कौन सा माल दे दिया कि तुम लोगों को अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं? हाँ रे, मुझे भी बताओ, जानना चाहती हूँ मैं भी। आपा तो पूरी मुंबई कहती है, पूरा हिंदुस्तान कहता है, तुम्हें पता है 32 मिलियन फैंस किसको बोलते हैं? इतनी तो हिंदुस्तान की आबादी भी नहीं है। देश भर से, दुनिया भर से लोग मुझे चाहते हैं, दुनिया भर से कॉल आते हैं। कैसे दिलों एक 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 इंसान के दिल में जाके ऐसा रबर इरेजर जिसको बोलते हैं, जाके ऐसा बैठ के हर एक इंसान के दिल में जाके बैठ के ऐसा रबर से इरेजर से इरेज करने वाले हो क्या? शबनम शेख की चाहत, हाँ ऐसा रफ करने वाले हो जाके, या फिर कहीं जाके ऐसे बाल की तरह जमी हुई हूँ कि मैं तो बैठ के तुम लोग उखाड़ने वाले हो लोगों के दिल से? अब तो मैंने पॉलिटिक्स में भी पैर रख दिया,
तुम्हारा नुकसान करोगे क्या आप? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अभी आप पॉलिटिक्स में आ गई है, भाजपा और शिवसेना की सरकार है। आज आप रोड की हम बात करें तो आप भी निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, इतने खड्डे खुड्डे रोड है, बारिश आती तो पानी भर जाता हर एक जगह, धंधे वाले परेशान सब। फिर भी शिवसेना भाजपा मिलके एक ही बोलती है कि हमने मुंबई में काम परफेक्ट किया है। आपको क्या लगता है ये काम सही किया इन लोगों ने? मैं खड्डों के और रोड की स्थितियों के बारे में आज काफी कुछ दिखा सकती हूँ लोगों को, और लोग खुद काफी कुछ वीडियो लेके मुझे भेजिए। मैं जनता से कहूंगी जहां जहां आपको पोर्टल्स दिखते हैं, मतलब जहां पे आपको खड्डे दिखते हैं, वहां के वीडियोस बना के आप मुझे भेजो कि कहां कहां पे खड्डे हैं, कहां कहां पे रोड्स की हालत ऐसी है कि आपकी गाड़ियों के बैंड बज रहे हैं। वहां पे गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है, खड्डे खुद खोदते हैं, वहां पे डामर डालते हैं और टेंडर पास करवाते हैं कि हाँ इतने का काम हुआ, इतना करोड़ रुपया लगाया आपने, बस यही करते हैं। गरीबों का कुछ भी काम नहीं होता है ना, गरीबों का कोई डेवलपमेंट होता है? पांच पांच साल ये लोग आते हैं, वालेकुम सलाम, पांच पांच साल आते हैं, ये क्या बोल रही है, पांच पांच साल की सरकार लेके लोग आते हैं, आके करते क्या है मुझे बताइए? वो MLA हो MP हो सबको बुरा लगता है, मैं तो MP के इलेक्शन में खड़ी होने वाली थी, वो भी पब्लिक डिमांड पे खड़ा होने का, इतना बड़ा नतीजा मिला कि इलेक्शन से पहले ही कांड हो गया, इतना खौफ। अरे लोगों ने इज्जत दी और मैंने कबूल की, वो पिक्चर बाद में निकली, हसीना पारकर की पिक्चर बाद में निकली, अभी अभी निकली है। मैं 14 साल से ये काम कर रही और किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझे रोक ले दे, और आज भी डंकी की चोट पे बोल रही हूँ, रोक सके तो रोक लो। अरे कोई तो रोको, मेरी मौत ही मुझे रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। मेरे टुकड़ों के, बोलता ना मेरे टुकड़ों पे पलने वाले कुत्तों ने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करें, मालिक से वफादार ना रहने वाले कुत्ते कुछ नहीं कर सकते भूखने के अलावा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है जब मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था ना तो तुम्हारे दांत मैंने पहले निकाल दिए थे, तुम मुझे काट नहीं सकते, ना मुकुलो तुम मुझे काट बिल्कुल नहीं सकते, काट के बताओ, बताओ ना काट के, है कि नहीं, सही बोलो ना बेटा। चलो आगे सवाल मेरा हो रहा है कि अभी बीच में जो बारिश गिरी जिसमें पूरा कोल्हापुर आधे से ज्यादा शहर डूब गया जी, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से ऊपर से देख रहे हैं, हाँ। और मदद के बोले कि हम मदद करेंगे, लेकिन हमने जहां तक देखा है कि मुंबई से काफी सिख और मुस्लिम लोगों ने वहां जाके उनको बिस्किट चाय वगैरह मदद की, तो ये तुमको लगता है ना कि ये काम गवर्नमेंट का है जो आम आदमी कर रहा है मुंबई में, जैसे महाराष्ट्र शहर जैसे बोलते हैं कि हमारी दूसरी राजनीति राजधानी दूसरी हमारी मुंबई है, और मुंबई में इतना पैसा है जो जितना पैसा पूरे हमारे देश में नहीं है, तो क्या मुख्यमंत्री वहां पर नहीं कर सकते? मैंने देखा है कि कुछ सरदार लोगों ने हमको इंटरव्यू दिया था, उसने उन्होंने बोला कि अगर किसी के घर टूटे तो हम उसको घर बना के दोगे, तो तुम क्यों घर बना के दोगे, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बैठ के देखेगी, गवर्नमेंट के पास काम क्या है, पार्टीज में जाना, सेलिब्रेशंस में जाना, दूसरे के खड्डे में जाना और वहां जाके फोटो खिंचवाना और आ जाना वापस, दूर क्यों जाता है? देख मेरे पीछे एक IPS ऑफिसर लगा है, मैंने CM को बोला, मैंने गवर्नर को बोला, मैंने PM को बोला, मैंने सबको बोला, सुना किसी ने? नहीं सुना। पहली बार मुझे जब अरेस्ट किया तो एक ऑफिसर है, क्या नाम है उसका, गोपाल है, ये गोपाल है, बोले आपने 141 के नोटिस का जवाब नहीं दिया था, ठीक है। दूसरा बार जब मेरे को अरेस्ट किया गया तो 141 का मैंने लिखित में जवाब दिया हुआ था, तो PSI चौधरी बोलता है कि आपने रिटर्न में जवाब दिया, आपको आना चाहिए था। अरे तुम्हारी माँ को अल्लाह मेरी उम्र दे दे, तुम्हारी माँ 100 साल जिए, मैं जल्दी मर जाऊँ, तुम पुलिस वालों की माँ जिए मेरी उम्र लेके, मेरे को एक बात बताओ कि मेरे को सिखाते हो, मैं 12 साल की लड़की नहीं, मैंने भी एक बच्चा पैदा किया, मेरी अपनी 15 साल की बेटी है। मेरे को सारे ऑफिसर्स ने बोला आपा
सब ऑफिसर्स ने बोला आपा ये हमारा किया हुआ नहीं है, ये आईपीएस लेवल से हो रहा है, ये पॉलिटिकल लेवल से हो रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, आप हमसे दुश्मनी मत करना, आप हमको दुश्मन नहीं समझना आपका, ये हम नहीं कर रहे हैं। नूरजा पारवे रोज आके पुलिस स्टेशन में बैठ के रोती है कि पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। अच्छा जिस दिन मेरे को पकड़ लिया उस दिन से भाग गई, क्यों? आरोपी नंबर दो में नाम किसका है? नूरजा पारवे का नाम है। क्यों आप क्यों नहीं जा रही पुलिस स्टेशन में, भागते क्यों फिर रही है? अच्छा अब बेल भी चाहिए तो मेरे ही वकील को बोल रही कि मेरी एबी डालो, मेरा वकील तेरी एबी कैसे डालेगा? आप तेरे को दुनिया में दूसरा वकील भी नहीं मिल रहा, मुझे तो बोल रही थी मेरा वकील तेरे को लाइन मारता है, मतलब इतनी खूबसूरत है 50 साल की औरत जिसका बेटा 26-27 साल का बेटा है, बेटी है, उसने तो ये बांद्रा छोड़ के वेस्ट इसलिए छोड़ के गई थी क्योंकि उसकी बेटी भाग गई थी और वेस्ट से ईस्ट में गई, ईस्ट में गई मेरे को बोला कि बेटे के ऊपर दो दो चोरी का केस बने, बेटे ने एक स्नैचिंग किया और एक चोरी का केस बनाया, दो केस बने, तो मेरे को बोला कि आप, मैंने कभी भी ब्रांच खोलने का नहीं सोचा था, मैं बताती हूँ आज सत्य, मेरी रोजी का टेबल है, मैं इस पर बैठ रही, इस पर बैठ के बोलूँ, इसने मुझे बोला कि आपा मेरे को ब्रांच खोल के दे दो उमरा में, मैं ब्रांच चलाऊंगी और मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊंगी, जो भी है आप मेरी मदद करो। मैंने बोला ठीक है तुम करो जो करने का है, आपको क्या मदद मेरे से चाहिए आप ले लो। मैंने ब्रांच खोलने दिया मुमरा में, ये मुमरा चली गई रहने के लिए इम्तियाज के घर पे, तो ये मुमरा में रहती है, बेटे ने चाकू उठाया निकाला मेरे को मारने के लिए, बटन खा के बटन खिलाया इम्तियाज ने, वो निकला मेरे को मारने के लिए, इसने खाई सिट्रोजन की गोलियां, सुसाइड अटेम्प्ट किया और बोलती है कि मेरे लिए खाया। फातिमा आपा अयाज भाई पहुंचे इसको देखने के लिए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का बिल जो भरा गया वो भी मैंने भरा, और बोलती है कि मैंने आत्महत्या ट्राई किया और वापस भी ट्राई करूंगी, तू जितने झूठ बोल रही है ना, नहीं बच्चों ये रही कलाम बाग, ये मैं नहा धो के पाक साफ ही रहती 24 घंटा, मुझे तेरे जैसे गंदे शौक नहीं है, ये रही कलाम बाग, ये उठाकर बोल रही तेरे हॉस्पिटल का बिल तक का मैंने भरा है और तेरा घर भी मैं ही चलाती थी, और तू वो औरत है जिसके ऊपर मैंने इतने एहसान किए हैं कि तुझे शर्म आना चाहिए मेरे बारे में एक भी गंदा शब्द बोलते हुए, लेकिन तू बांद्रा में तू नहीं रहते हुए, बांद्रा में ना तेरा कोई घर है ना तेरा कोई इदार है यहाँ पर, लेकिन तूने यहाँ से झूठा केस बनाया और पुलिस वालों ने ले लिया, और तू कुरान उठा के, मैंने तेरे को बोला था ना कि तू बोल दे, तो तू कुरान उठाने तैयार हो गई थी ना, ले मैं नहीं चाहती कि तू जेल जाए क्योंकि जेल उतनी बुरी जगह है, समझी? इसलिए आज तक पुलिस स्टेशन में जाके मैंने ये नहीं बोला कि तुमने अभी तक कोई भी आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा, चाहे वो मुजेब हो या तू हो या कि मोहसिन हो या समीर हो, मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं, चाहे वो तुम लोग हो या डीसीपी दैया, मैं किसी से नहीं डरती ना मौत से डरती। अब नीचे उतरूंगी, अगर मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल जैसे प्राडो का किया गया था वैसे मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दो या मेरी गाड़ी को अंगार लगा दो मेरे बैठे हुए, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक क्रांतिकारी है ना हमेशा क्रांतिकारी ही रहेगा, उसको तुम जैसे नसब नापुंसक लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैंने एनसीपी ज्वाइन किया है देश की भलाई के लिए, कुछ नहीं तो कम से कम मैं महाराष्ट्र का भला तो कर सकती हूँ, और वैसे भी मेरी उम्र अभी 32 साल है। हाँ जनता को बता दूँ कि मैंने देखा गूगल पे डेट गलत डाली हुई है, 21 अक्टूबर वो गलत डेट है, मेरा बर्थडे जो है 1 अक्टूबर, मैं गांधी जी से भी एक दिन बड़ी हूँ, उनका 2 अक्टूबर को है, मेरा 1 अक्टूबर को है, मैं उनसे भी एक दिन की बड़ी हूँ, गांधी जी मुझे छोड़ के गए हिंदुस्तान संभालने के लिए कि देखते रहना बेटा हिंदुस्तान में कुछ गड़बड़ ना हो, तो मेरी मौत जब भी होगी ना तो देश के लिए ही होगी, ऐसे नहीं मरूंगी मैं। तो मैंने एनसीपी ज्वाइन किया है देश की भलाई के लिए,
और मरूंगी भी तो देश के लिए। मेरे लिए तुम जैसे लोग मायने नहीं रखते। मैं गरीबों के लिए जीती हूँ, गरीबों के लिए ही मरूंगी। और सारे दुश्मनों को खुदा हाफिज। तुम्हारी औकात ही नहीं कि मैं तुमसे दुश्मनी रखूँ। मैं तुम्हें कभी जिंदगी में, ये तो दूर की बात है, 24 घंटा तो दूर की बात है, हफ्ता भी दूर की बात है, महीने में एक बार भी याद नहीं करती। तुम लोग करते रहो। अरे यहाँ तक का वो इमरान मुबारक शेख ने RTI मारा जेल में, जुडिशियल में, जब मैं जुडिशियल में थी भी नहीं, RTI मारा कि मुझे खाना क्या दिया जा रहा है, मेरी दवाइयां कौन सी दी जा रही है और मुझे कैसे रखा जा रहा है। क्यों रे भाड़ खाओ, तेरी अम्मा के दहेज में आई थी मैं, दवा कौन सी दे रहे हैं मेरे को, मेरे को खाना क्या दे रहे हैं, मेरे को रखा कैसे जा रहा है, तेको बड़ी पड़ी है, मिलना मेरे से आके जरा, तू कौन है, तेरी शक्ल तो दिखा, जरूरी जरूर कमाटीपुरा का दलाल होगा तू, नूरजा के साथ में घूमता होगा। कोई सवाल है बेटा? पापा आए दिन मुसलमानों पे हमला हो रहा है, बीच में अंसारी करके अपने नाम सुना होगा, उसको मारते मारते लोगों ने पीट दिया, 4-5 आरोपी को अरेस्ट किया और अभी स्टेटमेंट ऐसा दे रहे कि उसको हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। मुसलमानों का गुस्सा फूटा लेकिन कोई सामने नहीं आया, ऐसा क्यों? मुसलमान चुप बैठ रहे कि दूध पीना चालू किया, ऐसा कुछ है तो बोल। अगर हमारे मुसलमानों में एकता हो जाए ना तो इस देश में शांति हो जाएगी। जितना मॉब लिंचिंग हुई, मॉब लिंचिंग के बारे में भी देख लो, मुसलमानों में एकता ही नहीं है। अगर मुसलमानों में एकता होती तो कुत्ता बिल्ली के जैसा आपस में लड़ते थोड़े ना, आपस में लड़ने के लिए बराबर होता है, लेकिन एकजुट होके किसी परिस्थिति का सामना करने बोलो तो मुसलमान नहीं कर सकते, ऐसे हाथ उठाते हैं। हमारे साथ हुआ है क्या? हम पर्सनली क्यों जाए, कौन फंसेगा, कौन अटकेगा, सब अपना अपना, या शेख अपने अपनी देख वाला हिसाब है। जैसे बीच में एक लड़की का बलात्कार हुआ था काफी 6 महीने पहले, पूरा देश एक हुआ था, आपने भी कैंडल ये किया था, तो उस तरह, तो उस तरह का माहौल क्यों नहीं बनता कि जब बेगुनाह को, वो भी बेगुनाह थी, उसने बलात्कार किया। वो बोल रहा है मैं अंदर थी तो किसी ने मेरे बच्चे को फोन करके बोला कि रैली निकालनी है, अगर आप लोग स्पॉन्सर करोगे, पैसा खर्चा करेंगे तो हम लोग रैली निकालेंगे। तो मेरी माँ ने कहा कि रैली निकालने के लिए तुमको पैसे चाहिए तो तुम्हारे जनाजे पे, मैयत पे हम लोग एक रुपया खर्चा ना करें, हम मेरी बेटी को छुड़ाने के लिए हमको जितना पैसा खर्चा करना हम कर लेंगे और हम छुड़वा लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, जिनको पैसे की जरूरत है मेरे लिए रैली निकालने के लिए। मैं खुद अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, जब मैं दुनिया के लिए करती हूँ तो मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है। पैसे चाहिए इनको रैली निकालने के लिए, बताओ। अब मेरा सवाल है कि जिस ये अंसारी का जिससे मौत हुआ, तो इजाज़ खान ने भी स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर, उसने भी मुसलमान कौम के ऊपर गुस्सा उतारा कि जागो जागो, तो आप और इजाज़ खान दोनों एक ही ट्रक के लिए काम कर रहे हो, तो हम लोग या पूरी जनता आपको दोनों एक साथ में देख पाएंगे क्या, इजाज़ खान को और आपको? आपने तो उसको अभी भाई बोल दिया है, गिला सिखो आपने छोड़ दिया है, उसने भी गिला सुख छोड़ दिया, तो कभी उससे मुलाकात हो जाए इजाज़ खान से? इंशाल्लाह जब भी होगा ऐसा, अगर मौका हुआ कि वो हमें कहीं पर एक जगह पर मिले तो ज़रूर हम और इजाज़ एक साथ में बात करेंगे, हमारे बीच में कोई दुश्मनी है नहीं। क्योंकि देखने आए तो इजाज़ खान के ऊपर भी काफ़ी केस बनाए गए, वो भी फेक केसेस है, और कुछ आपने भी यूट्यूब में उसको हेल्प करने के लिए बोला था और आपने आगे भी आए, तो बाकी उसके कुछ फ्रेंड भी आ गए हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता सब ठंडे पड़ गए और बेचारे के ऊपर वापस एक केस बन गया टीम 7 के ऊपर। अभी देखने जाए तो लेटेस्ट में गणपति ने टीम 7 के 2 लड़के लोगों को भी मारा, वो भी किसी दल के लोगों ने किसी दल। तो ये आपको ये नहीं लग रहा कि आए दिन मुसलमान लोगों के ऊपर हमला हो जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है? इस देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हम माइनॉरिटी में आते हैं, हमारी आबादी जो है 17% है, तो हम माइनॉरिटी में आते हैं। हमें एक्चुअली हमारे नेता कैसे चाहिए पता है मुस्लिम लोगों के? हमारे नेता चाहिए दमदार। तो मैं चाहूंगी एजाज मेरा भाई आ गया, लड़ MLA का इलेक्शन और जीत के दिखा, मैं आऊंगी तेरे लिए तेरी रैली में सपोर्ट करने के लिए, हर चीज में तेरे लिए आऊंगी, और सिर्फ एजाज पर नहीं बोलूंगी, मियां भाई मेरे जितने भाई लोग हैं, तुम में ताकत है, तुम में हिम्मत है, तो लड़ो MLA का इलेक्शन,
मैं साथ दूंगी और मुसलमान कैंडिडेट्स को जिताने के लिए मैं आगे आऊंगी, ताकि हमारे मियां भाई जो कम्युनिटी है इसको हम एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना के खड़ा कर पाए, हम अपना वजूद बना पाए यार, हम अपनी यूनिटी बना पाए। यूनिटी बनाना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा हो गया कि एक मियां भाई को कोई भी चार चार गुंडे पकड़ के मारते हैं, मार के चले जाते हैं और हम कुछ भी उखाड़ नहीं पाते हैं। क्या है ये, हम इतने कमजोर हैं? एनसीपी इसलिए ज्वाइन किया है कि ये शरद पवार जी की पार्टी है, शरद पवार जी है ना, ये कास्ट सबकास्ट कास्ट डिफरेंशिएशन इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते, ये सबको एक समान देखते हैं, इसलिए मैंने एनसीपी ज्वाइन किया। आप बीच में जब आपके ऊपर संकट आए थे फर्स्ट केस में, उसके बाद मुर्जा पारवे ने एक वीडियो वायरल किया, दूसरा वीडियो, वो वीडियो को वायरल किया, लेकिन सुरेश दलाल ने भी इसको अपने चैनल पे चढ़ा के वायरल किया, और उसने ऐसा वायरल किया कि खुल गई शबनम शेख की पोल, तो उसको जरा पोल बताओ किसकी खुली। ए सुरेश दलाल ने भी किया। अब देखो इतने छोटे छोटे लोगों के वीडियोस तो मैं देख नहीं सकती हूँ, मैंने पारवे का ही नहीं देखा तो मैं उसका क्या देखूँ। पारवे की भी औकात नहीं कि मैं उसका वीडियो देखूँ, और ना सुरेश दलाल की औकात है कि मैं उसका वीडियो देखूँ। याद होगा मैंने मेरे ऑफिस में कह दिया था कि मैं सुरेश दलाल के सब्जेक्ट पे बात नहीं करूंगी, वो दिन है आज का दिन है, आज मैं उसका नाम दोबारा सुन रही हूँ। और पारवे का भी वीडियो मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं समझती। तो हर कचरा उठेगा रास्ते का और आके कोशिश करेगा कि मेरे पलंग पे आके बैठे, तो सॉरी बॉस, यू पीपल आर नॉट माई कप ऑफ टी। तुम रास्ते का वो रद्दी पेपर हो जो रास्ते में हवा के साथ में चलता है, और जब ज़्यादा ज़ोर की बारिश आएगी ना तो तुम लोग पिघल के चले जाओगे यार। तुम मुझ तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। एक काम करो, आप लोग पहले मेरे पीए से अपॉइंटमेंट ले लेना बात करने के लिए, या मेरे पीए के पास वक्त होगा तो वो तुम्हारा वीडियो देख के मुझे अपडेट दे देगा। सलीम नाम है मेरे पीए का, ओके। तो अगर उन लोगों के पास वक्त होगा देखेंगे, और कुछ ऐसा लगा, उन्होंने भी नहीं देखा है यार, मेरे बच्चे लोग ने भी नहीं देखा है, देखा आपने तो। इन लोगों के लिए शब्द नहीं है मेरे पास में, क्योंकि ये कि वो उस बेकार किस्म के लोग हैं कि शबनम शेख बोलते हैं तो नाम आ जाता है टाइटल में शबनम शेख, तो उनको टीआरपी चाहिए, तो उनको यूट्यूब से कमाना है, कमाने के लिए चलते हैं। यही बात पे मैं आता हूँ, मैंने काफी सारे वीडियो देखते हैं, हमारा तो काम ही दिन भर देखना। तो उसमें नेगेटिव भी आपके लिए चढ़ा है, तीन चैनल आ गए अभी जिसमें आपकी नेगेटिव स्टोरी चल रही है। कोई न्यूज चैनल वाला है वो 1200 सब्सक्राइबर था, शबनम शेख मुंबई की डॉन को किया घर से अरेस्ट, 5 लोगों को, उस टाइम में भी साथ में बैठा था घर पे, उसका 1200 सब्सक्राइबर था, आज उसका सब्सक्राइबर आपके नाम से 18,000 हो चुका है। ये जितने भी नेगेटिव जो चला रहे हैं, जितने भी नेगेटिव लोग चला रहे हैं, उसके मैंने सब्सक्राइबर देखे थे 5-5-6-6, आज देख रहा हूँ 2-2,000 के ऊपर। तो ये टीआरपीटी तुम्हारा ले रहे हैं कि इन लोग अपना खुद का शेयर दे रहे हैं कि हमने शबनम शेख का नाम बड़ा किया, जरा उनको नाम बड़ा किया, उठाऊं चप्पल हाथ में, तुम्हारी माँ को अल्लाह अच्छा रखे। अबे सुवर हो, सुधर जाओ, सुधर जाओ, गलती से मेरे हत्ते चढ़े ना, इतनी चमाट मारूंगी कि थोबड़े का नक्शा बिगड़ जाएगा। जबड़ा है ना, जबड़ा निकाल के हाथ में दे दूंगी मैं। फिर बोलती हूँ मैं, क्रिमिनल मैं बन नहीं सकती, और शरीफ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, सुन लेना मेरी बात। शराफत मेरी इतनी है कि मैं किसी के मुंह लगती नहीं, और कोई मेरे मुंह लगे तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। अरे सुरेश दलाल, तेरी दलाली बंद होगी, 64 नंबर पिलर के नीचे तेरी मैया बेचता था तू, 64 नंबर पिलर था ना तेरा, 64 नंबर पिलर के दलाल, और उसकी वो अभी खातून वो पारवे, ये पारवे मेरे को समझ में नहीं आता। तेरे मर्द का नाम है निसार शेख और तू है नूरजा पारवे, कितना उम्र गए तेरा, दर्जन मर पति पाल के रखे। अभी दिलीप करके बॉयफ्रेंड है जेन, तो जेन बन गई अभी वो, उसने उपास रखा, नंगे पैर रह रही थी, अभी मेरे को सब कुछ मालूम, पूरी स्टोरी मालूम है, अभी जेन बन गई है पारवे। अच्छा आपा, टीम सेवन को जो अभी गणपति में मारा, उसके लिए आप किस तरह से मदद करेंगे, किस तरह से आप? अच्छा टीम सेवन को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, बच्चे लोग, आई एम वेरी हैप्पी विद यू गाइस, तुम लोग जितना जल्दी हो सके मुझसे आके मिलो, मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ। Team 7, come and meet me. I would like to
मैं आप लोगों से मिलना चाहूंगी बच्चों, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके मुझसे आके मिलो. देर आर कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ माइन ऑन गूगल एंड देर इज नेविगेशन ऑफ माइन, आप नेविगेट करके मेरे पास पहुंच सकते हो. तो मंडे टू फ्राइडे आई एम अवेलेबल, खाली कॉल करके एक बार अपडेट करो कि आप आना चाहते हो, कौन सी डेट पे आना चाहते हो. आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आप लोग आकर मुझसे मिलिए, क्योंकि मुझे आपसे मिलना है. जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया है मैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी, और तुम लोगों का सत्कार करना चाहती हूँ मैं. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर मेरे पास आओ, क्योंकि आप बच्चों के साथ में मैं हूँ. और अगर आज के बाद आप लोगों को किसी ने हाथ भी लगाया तो उनके हाथ तोड़, हाथों को तोड़ के सही जगह पर घुसाने का काम मेरा, ये मेरा वादा रहा. Okay. अब अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आ गई है, तो जो हमारा काम है जो बड़ा है वो घर से ऑपरेट होगा या कहीं हम ऑफिस लेंगे, ऑफिस से ऑपरेट होगा? पब्लिक को किस तरह से हम आगे मैसेज देंगे कि मेरे घर पे आओ या ऑफिस लेंगे? बात तो भी ऐसी है कि मेरी फैक्ट्री भी है, ऑफिस भी है, सब कुछ है, लेकिन फिलहाल मेरी तबीयत जो मेरा साथ नहीं देंगे. अभी आप देखोगे मेरा माउथ जो वो सूखता जाता है बिल्कुल, क्योंकि मेरी ब्लड प्रेशर, माइग्रेन की प्रॉब्लम एंड एज वेल एज आई एम हार्ट पेशेंट, साइनस है मुझे बहुत ज़्यादा, लास्ट स्टेज पे हूँ मैं साइनस की. बट लेकिन मुझे काम करने का जज्बा जो वो कम नहीं होता है. और घर तो आपको मुझे आपको मालूम मेरा घर कितना बड़ा है, माशाल्लाह के 200 लोग भी आए तो मेरे घर में बैठ सकते हैं, इतना बड़ा घर है मेरा. तो फिलहाल तो मैं घर से ऑपरेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ. डेली का ट्रैवलिंग में बाहर निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों की मदद करना बंद नहीं कर सकती. तो फिलहाल तो लोग मुझसे आके मिल सकते हैं डेली 4 से 8 के बीच में, लेकिन अपॉइंटमेंट बिना मिलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मिल सकते. तो जो भी रोज़ के 10 से 20 लोगों का अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, 10 to 20, दैट्स इट. इससे ज़्यादा लोगों को नहीं दे रहे हैं अपॉइंटमेंट. और यस, अगेन वी गोइंग टू सेट एन ऑफिस, ऑफिस एनसीपी का ऑफिस डालना है अभी, और एनसीपी का ऑफिस डाल के एनसीपी के माध्यम से काम करना है. साथ में हेल्थ केयर भी चलेगा, साथ में CCF भी चलेगा, क्योंकि नूरजा पारवे ने बड़ा मस्का लगा कि हमारे कफील अहमद चौधरी साहब हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हम नेशनल सेक्रेटरी हूँ, एंटी करप्शन एंटी क्राइम फंड ऑफ इंडिया, बेस ऑफ दिल्ली, दिल्ली बेस है ये. तो दिल्ली से इन्होंने मस्का लगा के पद ले लिया था, बस बड़ा मस्का लगाया था कफील अहमद चौधरी साहब को, और महाराष्ट्र प्रेसिडेंट बन गई थी. लेकिन उनको ये नहीं बताया है कि नेशनल सेक्रेटरी शबनम शेख है. तो नेशनल सेक्रेटरी का जो इतनी अथॉरिटी रहती है कि वो किसी को भी निकाल सकती हैं, किसी को भी रख सकती हैं. तो आपको इतना पता नहीं था कि मैं आपको निकाल के फेंक सकती हूँ कंपनी से? हाँ, आपकी आपकी प्रोफाइल, और आपने रेफरेंस भी दिया कि आप एक को काम पे, मतलब आप एक और एक बंदे को एसोसिएट करना चाहती हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी मर्डर केस चल रहा है, जिसका आजाद मैदान में हर फ्राइडे के दिन की हाजिरी है, उसका आप उसको रिफर करके ACCF में ज्वाइन करवाना चाहती थी. तो मैंने एज अ नेशनल सेक्रेटरी मैंने नूरजहां पारवे को फायर कर दिया कंपनी से. मैं ऐसे लोगों को कंपनी में रहने, मैंने उसको हेल्थ केयर से फायर किया, मैंने उसको ACCF से फायर किया. तू क्या छोड़ेगी रे हेल्थ केयर, तेरी औकात है क्या? तेरे को मैंने निकाल के फेंका है, आई कार्ड ला के जमा कर, नहीं तो अलग केस बना डालूंगी तेरे ऊपर, समझ में आया क्या? बड़ी आई काली भैंस. आप पूरे मोहरम में पूरे मोहरम में आपने जेल देखा, आप बाहर नहीं है, बकरीद में, हाँ बकरीद में भी, तो कैसा फील रहा अंदर का? मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ कि तो पुलिस स्टेशन में थी मैं. तो एक ही चीज सोची मैंने, नेकी करने की सजा मिली है मुझे, अच्छे काम करने की सजा मिली है मुझे. तो दिल में ऐसा आ गया था कि आप सोशल वर्क बंद कर दोगे. फिर देखा दरवाजे पर लोग रोते हुए आते हैं, रोते हुए लोग आते हैं तो बैटरी डाउन. अच्छा, तो जब रोते हुए लोग आते हैं तो उनको भगा नहीं सकते. अच्छा, आप अभी बात करें तो अगर हम अंदर की बात कर रहे हैं, फिलहाल अंदर की, जो आपने 7 दिन 8 दिन पे अंदर निकला, तो खाना का कुछ बताएंगे कि खाना किस तरह का अंदर मिलता है महिला को,
जिस तरह के आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अंदर महिला बेगुनाह होके भी अंदर सड़ रही है, तो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में तो आ चुकी है, तो अब मुहिम कहाँ से शुरू होगी? खाने से, अंदर बेगुनाहों से, और उनकी जीत के लिए आप किस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस में आए और आप काम करोगे? देखो, खाना तो अंदर बहुत बुरा मिलता है, मतलब खाना ऐसा है कि जानवरों को जैसे खाना देते हैं वैसा खाना वो लोग देते हैं अंदर। मैं अंदर खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, मैं बिस्किट्स पर जीती थी क्योंकि मेरे को लिक्विड डाइट पे थी मैं, मुझे फूड पॉइजन हो गया था अंदर। और जब मैं अंदर से बाहर आई तो मेरी हालत कम्प्लीटली ऐसी थी कि मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। तो मैं जैसे ही बाहर आई तो मैं सबसे पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई बाहर आने के बाद में। और मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने 14 किलो वेट लॉस किया था, 14 किलो मेरा वेट कम हो गया था, मतलब ऐसा था कि मरने की स्टेज पे थी मैं अब जब मैं बाहर आई थी 25 दिन के बाद। तो माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में, और ये पारवे ने मुझे इतना मेरे दिमाग में जहर भर दिया था मेरे माँ बाप के लिए कि मेरे माँ बाप बुरे हैं, मेरे घर वाले बुरे हैं, घर वालों से मिलने नहीं देना। हर स्टाफ मेरा मंडे टू सैटरडे आता था ऑफिस में, लेकिन ये संडे को भी मेरे पास आ जाती थी, क्योंकि जब तक मैं इसको रोज़ का 500 रुपया ना दूँ इसके घर का चूल्हा जलने के लिए, तो इसका चूल्हा जलता नहीं था। तो सब स्टाफ तो संडे के दिन आते नहीं थे, लेकिन ये संडे को भी बराबर आती थी, क्योंकि इसका चूल्हा जब तक नहीं जलता था जब तक ये मेरे पास ना आए। तो पारवे ने मुझे मेरी फैमिली से 1.5 साल में बहुत दूर कर दिया था। नूरजहाँ की जैसी बुरी औरत मैंने देखा नहीं है जिंदगी में, और ना मैं देखना चाहूँगी। इसने तो ऐसा कर दिया है कि दोस्ती नाम से डर लगने लगा है, दोस्त नहीं चाहिए अभी, कोई भी दोस्त नहीं चाहिए। अब बात करें तो जिस तरह के 7 दिन आप अंदर रहे, आपने बिस्किट पे जिंदगी निकाली, हम जानना चाहते हैं कि आपने जो 7 दिन का अनुभव लिया अंदर, तो कितनी लेडीज किस तरह से परेशान है, लेडीज और जेंट्स को किस तरह से रखा जाता है? लेडीज परेशान है तो अभी आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में तो हुई, हालांकि हमारा एनजीओ भी है, तो ये लड़ाई जो करोगे आप पहला वहीं से शुरुआत करोगे या कहीं और से शुरुआत करोगे? देखो, पहले तो मैं एप्लीकेशन मैंने बहुत सारे मानना शुरू कर दिए, मैंने ऑलरेडी आज भी एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया है, ये मेरा एप्लीकेशन ड्राफ्ट तैयार है उस वीडियो के खिलाफ जो वीडियो इन लोगों ने एडिटिंग करके चढ़ाया है, जिसमें मैं क्लासिकल डांस कर रही हूँ लास्ट बैंड में, और ये मैंने ड्राफ्ट किया है बैंड्रा NCP के लिए और खार पुलिस स्टेशन के लिए, कि वो वीडियो जिसने बनाया है और जिसने चढ़ाया है उसके खिलाफ। और कल मैं खुद जाके बैठ के वो वीडियो कैसे चढ़ा है साइबर क्राइम से उसकी पूरी डिटेलिंग निकालूंगी, और उस वीडियो लेते वक्त कौन कौन लोग अवेलेबल थे मुझे अच्छी तरह याद है, तो मैंने उन लोगों के नाम मेंशन किए हैं। और मुझे इसके ऊपर स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, क्योंकि ये मेरी वुमेन मॉडेस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के बराबर है, मुझे आत्महत्या करने पे मजबूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके ऊपर सेक्शन 306 लगता है, तो मैं ऐसा काम करूँ, इससे बेहतर ये है कि पुलिस अपना काम करे, क्योंकि मैंने 14 साल पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम किया है, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मेरे 99.9% जो दोस्त हैं वो पुलिस वाले ही हैं, 0.8% में मेरा एक ही दोस्त आता है, वो इरफान जो मेरा दोस्त है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरा दोस्त है, सूफियान मेरा दोस्त है। अब लेडीज़ में तो एक ही थी, और उसमें तो बोलते हैं ना इतनी बुरी तरह डसा है मुझे नागिन ने कि कुछ बचा ही नहीं है। और क्या हुआ, बैंड्रा में दिन में नहीं आती, रात में आती है, ये पूछा था ना तुमने मेरे से वीडियो में, ऐसे ही कुछ पूछा था ना। अब तू क्यों बस स्टॉप पे रात में बैठी रहती है पति को लेके, तुझे तो नहीं लेकिन तेरे पति को अरेस्ट करवा सकती हूँ ना मैं, देख ले मेरी इंसानियत, नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा दुश्मन भी जेल देखे, लेकिन तुम लोग को बहुत मजा आता है मुझे तकलीफ पहुंचा के। घबरा मत नूरजहाँ, मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। अगर बात करें तो आपके अरेस्ट के टाइम पे 25 दिन आपकी फैमिली ने किस तरह से समय बिताए, आपके बच्चे भी हैं, किस तरह उसने अपना दुख दर्द बांट के? मेरे माँ बाप, मेरी बच्ची, मेरी फैमिली
जिस तरह मेरी माँ एक कैंसर पेशेंट होकर, हार्ट पेशेंट होकर, मेरे मम्मी पापा दोनों हार्ट पेशेंट हैं, दोनों को डायबिटीज़, दोनों का हाई ब्लड प्रेशर है, मम्मा का कैंसर का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जब मैंने कोर्ट में अकेले मेरी माँ को भाग दौड़ करते हुए देखा, वो दिन मुझे लगा कि मैं सारी दुनिया से परे हो जाऊँ, दूर हो जाऊँ, जीना ही नहीं किसी के लिए सिवाय मेरी माँ बाप के, क्योंकि कोई भी नहीं था, मैं पूरी दुनिया के लिए रहती हूँ, मेरी माँ के लिए वाहिद अकेले मेरी माँ थी। पता है कौन से केस के लिए? हॉस्पिटल से एक की बॉडी दिलाई मैंने, जो मर गई थी औरत, पहले उसका पैर कटा था इतना, डॉक्टर ने पैर काटा था इतना, फिर उसका पैर काटा इतना, गैंग्रीन पेशेंट थी, इतना पैर काटा बिना आए आईसीयू वाले हॉस्पिटल में, वो पेशेंट मर गई। फोन आया मुझे बेग का, बहनू जल्दी आओ, इधर ऐसा ऐसा हो गया है पाली नर्सिंग होम में। मैं गई, मैंने जाके फ़ोन लगाया डॉक्टर को, वो बोली आप बॉडी लेके जा सकते हो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। हम बॉडी वो आदमी को से हैंड ओवर किया, मैं निकल गई, वो आदमी ने बोला आपा हमारे पास दफनाने के भी पैसे नहीं है। मैंने 5,000 रुपये उस आदमी को दिया कि आप दफना दो आप। भाई मैं निकलती हूँ, संडे का दिन है, संडे का दिन मैं मेरे फैमिली के साथ बिताती हूँ, मैं चलती हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बॉडी दिलाना और दफनाने के पैसा देना, ये भी इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मुझे उस केस में अरेस्ट किया गया। पहला केस ये था कि मुझे अरेस्ट इसलिए किया गया कि मैंने उस आदमी को बॉडी दिलाई, और हॉस्पिटल का बिल 1,12,000 रुपये जो बिल था वो भरा नहीं गया था, इसलिए मुझे अरेस्ट किया गया। जनता सुन रही है मेरी बात? और पॉस्को, वो जो 7 साल की बच्ची के साथ में उसके फूफा ने गलत किया था, वो वीडियो वायरल किसने किया? वीडियो वायरल नूरजहां पारवे ने किया, लेकिन उसकी सजा किसको मिली? मुझे। नूरजहां पारवे को मैंने मारने की धमकी दी ही नहीं, जान से मारने की ना, वो बैंड्रा में रहती है, लेकिन उसने वेफायर कहाँ बनाई? बैंड्रा में बनवाई। किसके इन्फ्लुएंस से? खबरी मुझे बेग के इन्फ्लुएंस से बनाई, और बन गया वो FIR, जिसकी वजह से मुझे 4 दिन का रिमांड और मिला। इस तरह खेलते 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 ये लोगों ने 5 केसेस रेडी किए, पहले 3 केसेस किए थे, फिर 5 केसेस अभी किए। इन सब के पीछे भाजपा गवर्नमेंट है, मतलब नूरजहां पारवे, मुजब्बे, आशीष शेला, DCP दहिया, यस, एंड आई एम नॉट स्केर्ड। ये इंटरव्यू देखने के बाद में अगर आप वापस कुछ बनाने जाते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत कुछ करके रखा है, और अभी आप लोग मुझसे कोर्ट में ही मिलेंगे। आप मेरे खिलाफ इतना सब कुछ करके देखो, आप मुझे कोर्ट में ही पाओगे, क्योंकि तुम चारों लोगों ने एक अच्छी सोशल वर्कर को, और जो तुम लोग तुम्हारे भाड़े के टट्टुओं से कमेंट्स पे गाली लिखवा रहे हो ना, अब तो साइबर सेल उनको भी नहीं छोड़ेगा। एक एक गंदा कमेंट करने वाले इंसान को भी उठा के अंदर डलवाऊंगी मैं, वादा मेरा। पब्लिक की मदद करना गुनाह नहीं है, मैंने तकलीफ खुद पे झेली है, डोमेस्टिक वायलेंस खुद झेला था, इसलिए उन लोगों के लिए लड़ती हूँ। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूँगी, हर बार करूँगी, देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। हेल्थ केयर ऐसे ही काम करेगा, और अब तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है, मैं पार्टी में हूँ, अब तो गरीबों की मदद मैं और खुल के करूँगी, देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, आप बात करें तो लोगों को आप तक पहुँचना है तो कौन सा नया नंबर चालू किया है, या किस तरह से वो पहुँचेंगे आपके पास? नंबर ले लीजिए 9891135660, एक नंबर ये है। दूसरा नंबर है 84250311011, ये दो नंबर हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में मंडे टू सैटरडे वी आर वर्किंग 4 to 8, आप अपॉइंटमेंट लेके आप आकर अपनी परेशानी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, और हम आपकी जो भी सहायता होगी, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की पद के तरफ से मैं आपकी मदद करूं, या हेल्थ केयर फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट होने के पद
पद पे होने की तरफ से मदद करूं, दोनों ही माध्यम से मैं आपकी मदद करूंगी। कोई भी आपको अगर तकलीफ पहुंचाता है तो मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। इसी के साथ मैं बता लूंगी। जय हिंद दोस्तों।